हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें है जनरल फॉर्म ऑफ AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और nth टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, और सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर सम ऑफ nth टर्म हम निकालेंगे, ठीक है। सबके बारे में आज यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जिसको हम AP कहते हैं, वो है क्या? AP एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, एक सीरीज है, जिसको जिसमें कॉमन डिफरेंस रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे हम लिखे हैं 1, 5, 8, 3, ठीक है। इनके बीच में जो गैपिंग है, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए। जब किसी सीक्वेंस की, कोई सीक्वेंस में नंबर होता है उसके बीच में डिफरेंस सेम होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? AP कहते हैं, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे यहां पे देखो, डिफरेंस अगर हम निकालें, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म जिसको हम A2 बोलते हैं। देखो पहले यह जान लो कि टर्म्स क्या होते हैं। जो एक एक नंबर होता है AP में, उसको हम कहते हैं टर्म्स। ये इसका फर्स्ट टर्म है जिसको हम कहेंगे A1, ये इसका सेकंड टर्म है जिसको हम कहेंगे A2, ये इसका थर्ड टर्म है जिसको कहेंगे A3, इसका ये फोर्थ टर्म है जिसको कहेंगे A4, ठीक है। इसी तरीके से और भी इसके टर्म्स होंगे। हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सबके इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी का फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल्स टू A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है हमारा? 5 - 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। देखो सबके बीच में इक्वल डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे अगर इसको ले लें 3 - A2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 - 5, दैट इज इक्वल्स टू। सबके इसमें सेम डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे सीरीज के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? AP कहते हैं, ठीक। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद हम आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है? जनरल फॉर्म में हम AP को कैसे दिखाते हैं? देखो फर्स्ट टर्म का होता है, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। पहले ये जान लो, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, बताए थे भी कॉमन डिफरेंस, ठीक। इसी से जनरल फॉर्म बनता है। जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है? A में जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम उसमें कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जाएंगे, तो उसके बाद वाला इक्वेशन को, वो उसके बाद वाला नंबर हमको मिलता जाएगा। जैसे A, फिर A+D, फिर A+2। 2D क्यों? देखो इसमें D प्लस किए तो AD बना, ठीक है। जब इसमें हम D प्लस करेंगे तो क्या होगा? A+D+D होगा, है ना। और D+D हो क्या हो जाएगा? 2D। इसी तरीके से इसमें जब 3 में एक और D प्लस करेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस और प्लस करेंगे इसमें, ये क्या बन जाएगा? 3D। और अगला क्या हो जाएगा? A+4D। ऐसे ही चलता है। इसको कहते हैं हम, ये जो जनरल फॉर्म आया है, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ A। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? इसके बाद हम आएंगे nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP क्या है, या फिर जिसको हम कहते हैं लास्ट टर्म ऑफ AP, वो इसको हम डिनोट करते हैं AN से या फिर L से, ठीक।
इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लें। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो है एनेटम ऑफ एबी। एनेटम ऑफ एबी क्या है? एपी का जो लास्ट टर्म होता है, एनेटम को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, एपी का जो लास्ट टर्म होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम एनेटम ऑफ एपी कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ए एन से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब जान कि इसमें ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। वेयर वेयर ए इक्वल्स टू क्या है? फर्स्ट टर्म बताए थे हम, ये क्या है सबसे पहला वाला टर्म एपी में कौन सा होगा वो। उसके बाद डी क्या है? डी इज अ कॉमन डिफरेंस, डी इज अ कॉमन डिफरेंस। उसके बाद n क्या है? n इज द टर्म नंबर। क्या है? टर्म नंबर मतलब कौन सा वाला टर्म होगा। ठीक है, n टर्म मतलब कौन सा वाला टर्म होगा। और an तो पता है n टर्म। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे हमको किसी ap का, जैसे वही जो पिछला वाला ap लिए थे वही ले लेते हैं, तो थ्री थ्री का डिफरेंस था ना, टू लिए थे फिर फाइव फिर एट फिर इलेवन एंड सो ऑन। इफ सपोज हमें इसका दसवां टर्म निकालना है, टेंथ टर्म निकालना है, तो कैसे हम एन की जगह यहाँ पे पहले तो हम सब कुछ लिख लेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है टू, डी हमारा इसका क्या निकला था ए टू माइनस ए वन, डी का फॉर्मूला ये ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो फाइव माइनस क्या आएगा टू, इससे क्या निकल जाएगा ए डी की वैल्यू थ्री निकल जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एन कितना बोला था हमें, कौन सा टर्म निकालना है, दसवां टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे टेन निकलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह क्या रखेंगे, एन की जगह क्या है हम लोग टेन, एन की वैल्यू रख दिए टेन, ए टेन इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू, यहाँ क्या लिखेंगे टू। ठीक, उसके बाद फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एन की वैल्यू क्या है टेन तो टेन लगा दिए, माइनस वन इंटू डी कितना है हम लोग थ्री, थ्री। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, ए टेन की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी टू प्लस टेन माइनस वन कितना हो जाएगा नाइन इंटू थ्री होगा, है ना, नाइन इंटू थ्री होगा, और ए टेन इक्वल्स टू यहां से क्या आएगा टू प्लस नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, तो ए टेन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन प्लस टू ट्वेंटी नाइन, तो देयरफॉर इस सीक्वेंस का जो टेंथवा टर्म होगा वो क्या होगा 29। इस तरीके से हम कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ये तो हुआ हम लोग का एनेट टर्म। ठीक, कितनी बात क्लियर है? अब देखो इसके बाद हम लोग का आएगा सम ऑफ एन टर्म, मतलब जो एपी का जितने भी सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स होते हैं सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें उसका सम कितना मिलता है, उसको कहते हैं एसएन, जिसको हम सम ऑफ एन टर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप पहले अच्छे से। अब आते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी में। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी में जैसे कि मैंने बताया कि एपी में जितने भी टर्म्स होते हैं उन टर्म्स का सम को हम क्या बोलते हैं एसएन, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला क्या है, एसएन इज इक्वल्स टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी।
दैट इज रिटेन बाय एसएल। ठीक, अब इसको एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखो मैंने एन का क्या फॉर्मूला बताया था, एन को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं जिसको हम एल से दिखाते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इज इट क्लियर? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, बिल्कुल था। ठीक, उसके बाद अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिराइव करते हैं, एन बाई टू लिखते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए लिख सकते हैं ना, फिर यहां पे लिखेंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतनी बात समझ में आई? टू ए को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो लिखा था वो लिख दिए। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो, यहां देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है कि नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो ए एल लिख सकते हैं या फिर एल लिख सकते हैं ना, तो यहां लिख देते हैं एस एल इक्वल्स टू एन बाय टू ब्रैकेट में ये वाला एक यहीं पर आएगा, जो ये वाला है इसको हम क्या लिख सकते हैं एल। तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू प्लस मल्टीप्लाई ए प्लस एल। ठीक, यहां अगर ए एल भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एन का ही वो फॉर्मूला है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको टी एन टर्म दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है सम निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब हम अगले लेक्चर में एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं, आराम से, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, मतलब हमेशा सेम होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी वो था जब फर्स्ट टर्म क्या था हम लोग का ए, दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, ए के बाद क्या हुआ ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस थ्री डी। उसके बाद ये तो हुआ था आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी। उसके बाद क्या था, उसके बाद था टी एन टर्म ऑफ ए, या ए एन टर्म, जिसको ए एन को ही टी एन कहते हैं, ठीक है, घबराइए। तो ए एन टर्म ऑफ एपी क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे हम nthवा टर्म निकालते हैं, मतलब लास्ट टर्म ऑफ एपी निकालते हैं, या कोई भी टर्म बोलता है उसको n की जगह रख के हम उसको निकालते हैं। ठीक, इतनी बात ये है। एयर को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा sn, sn क्या था, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या था, n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक, अब एसएन के फॉर्मूले को हम लोगों ने एक और बार डिराइव किया, उससे हम लोगों ने क्या बनाया, एक और फॉर्मूला बना, एयर एसएन इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे 5.1। अभी तक लेते हैं, थैंक यू।